ऐसी व्यक्ति होता है जो एकदम चाहता है कि मैं इस काम को कर जाऊं चाहे कुछ भी हो जाए, तो वही आदमी अपना ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करता है। दोस्तों तो आज की सब्जेक्ट 30 मिनट की मेरी इसी पर होगा कि एक मैन इज नॉट ए पुअर विदाउट ए रूपीज, बट एक मैन इज रियली पुअर विदाउट ए ड्रीम्स एंड ए विजन। एक व्यक्ति कभी भी पैसा से गरीब नहीं हो सकता है। अगर पैसा से गरीब है तो टेम्परेरी गरीब हो सकता है, इस कोरोना के टाइम में 10-15 दिन के लिए गरीब हो सकता है, लेकिन जिसके पास दोस्तों सेफ्स ऑफ बिजनेस है, ये अपॉर्चुनिटी आज के पास है, और उसने दोस्तों रियली उसके पास ड्रीम और एम्बिशन है, तो दोस्तों सेफ्स ऑफ में कभी भी गरीब नहीं हो सकता। इसका कारण यही है कि यहाँ पर एक गरीब आदमी भी दोस्तों डायमंड बना है और एक अमीर आदमी भी डायमंड बनना है। एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति ठेला पर सब्जी बेचने वाला भी अमीर बना है और एक चार्टेड अकाउंटेंट भी अमीर बना है। एक भट्टा और ईंट पर काम करने वाला भी सेफ शॉप में डायमंड बना है और एक दो तो डॉक्टर एमबीबीएस भी दोस्तों यहाँ पर अमीर बना है। एक दो तो नॉर्मल अखबार न्यूज पेपर बेचने वाला भी दोस्तों डायमंड बना है और दोस्तों यहाँ पर एक वकील भी डायमंड बना है। दोस्तों यहाँ पर हर प्रकार के एक फॉर्मर से लेकर के एक डिफेंस पर्सन से लेकर के ऑल टाइप्स ऑफ 1500 लोगों की हिस्ट्री आप अगर पढ़ेंगे डायमंड्स का दोस्तों तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो दोस्तों कभी भी हम पैसे से गरीब नहीं हो सकते हैं। गरीब अगर किसी से होते हैं दोस्तों तो गरीब होते हैं दोस्तों अपनी रियली किससे होते हैं दोस्तों अपना ड्रीम्स, बिना रियल ड्रीम्स और एम्बिशंस के बगैर एक व्यक्ति दोस्तों गरीब होता है। और अब्दुल कलाम साहब हमेशा एक बात बोलते हैं कि सपने वो नहीं जो आपको नींद में देखें, सपने वो होते हैं जो आपको नींद आने न दे। दोस्तों आने का मतलब नींद आने न दे, आपके अंदर दोस्तों अगर चाहत बन गई है कि दोस्तों मुझे इस चीज को अचीव करना है, इतने तारीख को अचीव करना है, दोस्तों जिसको चाहत है, मैं इतना बड़ा एग्जांपल नहीं दूंगा, एक छोटा एग्जांपल देता हूं। और हमारे ग्रेट मेंटर ने एक पेंडेमिक ऑफर दिया है कि इस वीक में अगर कोई व्यक्ति अपना 1400 का चेक बना लेता है तो मुझे उसको ये अमाउंट दूंगा, कोई 1200 का चेक बना ले तो मुझे उसको ये एक अमाउंट पेंडेमिक सपोर्ट की जाएगी, उसको अपने पैसे से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। तो व्यक्ति को दो आदमी की ज्वाइनिंग के लिए उसके पास नींद नहीं आनी चाहिए, बस छोटा बात समझिए दोस्तों। और हमेशा सचिन जी बोलते हैं कि सपना एक देखोगे, अगर दोस्तों सपने देखोगे तो मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होता है जब कामयाबी शोर मचाती है। तो इस बिजनेस में वाकई अगर आप हमसे पूछे कि जेपी सिंह आपका जीवन के सबसे सुंदर पल क्या था, तो दोस्तों मैं बोलूंगा कि मेरे जीवन का सबसे सुंदर पल था जब दोस्तों मैं डायमंड बना था। डबल डायमंड मेरा कोई मोटिवेशन नहीं था, ट्रिपल डायमंड कोई मोटिवेशन नहीं था, लेकिन दोस्तों इस बिजनेस का डायमंड बनना आपका डायरेक्ट सेलिंग सेट्स के अंदर में सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। लेकिन जब आप डायमंड्स बनने के रास्ते में निकलेंगे तो कभी कभी दोस्तों हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि जिस घर पे मैं प्लान दिखाने गया हूं तो लोगों ने अपनी दरवाजे भी दोस्तों बंद कर लिया है मुझे देख करके। मैंने कुछ लोग ऐसे प्लान दिखाने गया हूँ जो दोस्तों मुझे देख करके अपने घर में अपने बेड के नीचे छिप करके अपने बीबी को बोले हैं कि बता दो कि मैं घर के बाहर नहीं हूँ। उसके घर के अंदर में दोस्तों मैं उसके बेड के ऊपर में बैठा था, उसका हस्बैंड उसी बेड के नीचे छिपा था और मेरे को पता है कि उसका हस्बैंड दोस्तों इसी बेड के नीचे छिपा है, और दोस्तों मैं उसके बेड के ऊपर में बैठा था। उसके घर से भी दोस्तों मैंने डीडी निकाली है, उस व्यक्ति को भी दोस्तों मैंने टोपाज लेवल पर पार किया है। तो दोस्तों जब आप सपने देखेंगे तो मुश्किलें तो दोस्तों ऑटोमेटिक आपके पास आने वाली है। बड़ा सपना बड़ा मुश्किल, छोटा सपना छोटा मुश्किल। एक बात समझ जाए दोस्तों, एक बच्चा अगर आईएएस बनने के बारे में सोचता है और एक बच्चा दोस्तों एक चपरासी बनने के बारे में सोचता है या क्लर्क बनने के बारे में सोचता है, तो दोनों की लाइफ में चैलेंजेस भी अलग अलग होगा। अगर बड़ा ड्रीम्स है तो बड़ा चैलेंज लेना पड़ेगा, छोटा ड्रीम्स है छोटा चैलेंज में काम चल जाएगा। 10,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति सुबह शाम साग सब्जी खा के जी लेता है, 1,00,000 कमाने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा ज्यादा टेंशन होगा, 5,00,000 कमाने वाले के पास थोड़ा सा दोस्तों ज्यादा होगा। तो जितना बड़ा चैलेंज आपका दोस्तों उतना बड़ा सफलता होगा, एक बात समझिएगा। अगर दोस्तों आपके सपने बड़े हैं और दोस्तों आपको अपने सपने को फॉलो कर रहे हैं जो अपने ड्रीम्स में बनाया है और अपने सपने पर दोस्तों आपका विश्वास है, तो दोस्तों एक दिन आप अपने सपने को 100% दोस्तों पूरा कर सकते हो। क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके सपने बड़े हैं, आप अपने सपने बना करके उस पर प्रॉपर फॉलो कर रहे हो और आपको अपने सपने पर विश्वास है,
एक दिन आपका बहुत बड़ा सपना पूरा हो सकता है, लेकिन जब तक दोस्तों आपका ड्रीम्स बुक में आपका सपना नहीं लिखा रहेगा, तब तक दोस्तों सपना कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है, कभी पूरा नहीं हो सकता। याद रखिए, बात बहुत छोटी है लेकिन बात दोस्तों बड़ी फतेह की है कि जब तक आपका ड्रीम्स बुक के अंदर में दोस्तों आपका ड्रीम्स नहीं है, तब तक दोस्तों आप अपने ड्रीम्स को दोस्तों फुलफिल नहीं कर सकते हैं। चाहे दोस्तों इस कंपनी का यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है, चाहे दोस्तों इस कंपनी का एक ब्रॉन्ज है, सबको दोस्तों अगर क्राउन एम्बेसडर तक जाना है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक जाना है, तो आप बिना अपना ड्रीम्स को दोस्तों पूरा नहीं कर सकते हो। याद रखिएगा, आज फिर आपने अपने आप से एक सवाल जरूर पूछें कि अगर मैं सेफ फॉर बिजनेस नहीं करूंगा तो मेरा सपना को कौन पूरा करेगा। आप दोस्तों अपने आप से एक क्वेश्चन फिर आज पूछें कि अगर मैं सेफ फॉर बिजनेस नहीं करूंगा तो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम कौन दिलाएगा। आज दोस्तों फिर अपने आप से पूछें कि अगर मैं सेफ स्वप नहीं करूंगा तो मुझे एक अच्छा घर और गाड़ी कौन दिलाएगा। आज फिर दोस्तों अपने सेफ एक बार अपने आप से पूछे कि अगर मैं सेफ स्वप बिजनेस नहीं करूंगा तो मैं पूरे जीवन अपने बॉस से छुटकारा नहीं पा पाऊंगा दोस्तों। और ये सारी क्वेश्चंस को दोस्तों मैंने अपने आप से जब पूछा तो दोस्तों मेरे पास आंसर आ गया था निकल करके कि जेपी सिंह, अब तुम्हें सेफ स्वप ही आपकी जीवन में ये सारी आजादी दिलाएगी दोस्तों। और मुफ्त में दोस्तों आजादी नहीं मिली है दोस्तों, मुफ्त में मुझे 1.25 करोड़ का घर नहीं मिला है, मुफ्त में दोस्तों मुझे i20 गाड़ी 8 लाख रुपए की नहीं मिली थी, मुफ्त में दोस्तों मुझे आज 21 लाख की टॉप मॉडल हैरियर गाड़ी नहीं मिली है, मुफ्त में दोस्तों मैंने 69 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट नहीं किया है। इन सब के पीछे दोस्तों मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी की थी, तब दोस्तों जाकर के सारे चीज हुए हैं। इन सब के पीछे करने के पीछे कभी कभी दोस्तों मैंने अपने परिवार को भी समय नहीं दिया है दोस्तों। और पूछा जाए तो मैं एक ही डायलॉग बोलता हूँ दोस्तों, मैंने 3 साल सेफ स्वप में स्टार्टिंग का न टीवी देखा था न बीबी देखा था, ओनली फॉर दोस्तों मैंने सेफ स्वप देखा था। और आज अगर मैं टीवी भी देखूं, आज मैं अपने बीबी बच्चों के साथ भी रहूं, तभी दोस्तों आज एक नेटवर्क बड़ी उड़ान पर जा चुकी है। और नेटवर्क दोस्तों धीरे धीरे हमने बहुत बड़ी उड़ान पर लेकर के जा रहे हैं दोस्तों। याद रखिएगा, पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने दोस्तों जो मेरे अपने ग्रेट मेंटर के साथ प्लान करने के बाद जितने मेरे पुराने शहर शुरू हुए हैं, उन शहरों के अलावा दोस्तों हमने करीब करीब 10 स्टेशन को दोस्तों और चूज किया है। हमारे साथ सत्याव्रत जी कंजौर में अपना बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, उसके अलावा दोस्तों हम कानपुर में अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, मेदिनापुर में दोस्तों नया बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, जलपाईगुड़ी में दोस्तों नया बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, अभी इसके बाद में दोस्तों अगर बात करूं मैं तो दोस्तों अभी हम लोगों ने रिसेंटली दोस्तों सुरेंद्र नगर में अभी बिजनेस को डेवलप करना शुरू किया है दोस्तों। अभी हमारे कुछ लीडर्स ने दोस्तों महाराष्ट्र में बिजनेस को सोलापुर में डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। नए नए स्टेशन की बात कर रहा हूँ, नए स्टेशन में दोस्तों दोबारा दिल्ली में हम अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे करके दोस्तों अभी हमने करीब करीब 10-12 नए शहर को दोस्तों इस 2 महीने में दोस्तों डेवलप करना शुरू किया है। जहां लॉकडाउन खत्म होंगे ये 10 स्टेशन दोस्तों रनवे पा जाएगा। इसके बाद जो मेरे नॉलेज में है, हमारे पटना के एक लीडर हैं विनोद जी, वो एक सासाराम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक स्टेशन को डेवलप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहां पर 10 सेल निकाले हैं। ऐसे करके बहुत सारे लीडर्स हैं दोस्तों जो नए नए स्टेशन पे काम कर रहे हैं। कुछ स्टेशन कुछ लीडर ऐसे हैं जो कि दोस्तों अभी एक ही स्टेशन पर बैठे हैं। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि एक स्टेशन में झोंक करके काम करो। जब आपके पास एक स्टेशन में आपके साथ 10-20-50-100 का टीम बन जाता है, वहां पर 2 लोग को बिजनेस शुरुआत करके और दोस्तों धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओ। अगर आप भी नहीं बढ़ोगे तो दोस्तों जो आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो ना कि मेरे सपने को कौन पूरा करेगा, मेरे जो फाइनेंशियल फ्रीडम कौन दिलाएगा, मुझे कार और घर दोस्तों, तो हमें धीरे धीरे शहर को बढ़ाना है। और दोस्तों आज आपके पास में इतनी अच्छे आज टूल्स है जूम मीटिंग के माध्यम से, दोस्तों मैंने 70 ग्रुप मीटिंग दोस्तों किया है। और दोस्तों आज भी मेरा कम से कम दोस्तों 10 ग्रुप मीटिंग्स है, और एक ग्रुप मीटिंग में दोस्तों टोटली मैं 6 लोगों को शामिल करता हूँ। 6 लोगों से ज्यादा ग्रुप मीटिंग में नहीं लेता, इंक्लूडिंग में 6 लोग। 6 लोगों को ग्रुप मीटिंग करने में ही मैं 60 से 70 मिनट का दोस्तों मेरा समय जाता है। दोस्तों ये सारा चीज जब होगा, जब दोस्तों आपकी दिमागों की उपज से होगा, दृढ़ संकल्प आपकी दिमागों में जब ये बातें आ जाएगी तो दोस्तों आपके लिए गोल अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं शाहजहां ने
अपनी बेगम मुमताज के लिए उनके दिमाग में पिक्चर आई थी कि मैं वर्ल्ड का एक ऐसा चीज बना दूं कि मैं रहूं या मेरी बेगम ना रहे लेकिन ताजमहल को पूरा दुनिया याद करे दोस्तों। तो उनका क्या था, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। जिस व्यक्ति ने किसी काम करने के लिए अगर ठान लिया है, तो एक लड़का एक लड़की से बोलता है कि मैं तुमसे ही प्यार करूंगा और बगैर तुमके बगैर मैं शादी नहीं करूंगा, उस लड़के को अपने मम्मी पापा को छोड़ना पड़े, उस लड़की को अपने मम्मी पापा को छोड़ना पड़े, समाज उनके बारे में कुछ भी बोल दे, वो भाण में जाए पूरी दुनिया, उनका जीवन ओनली फॉर दो लोग होते हैं, वो लड़का और लड़की। आपस में जब वो कपल बनते हैं वो इनकी जीवन से शुरुआत होती है, बाद में दोस्तों जब वो डेवलप करते हैं अपने आप को तो फिर दोस्तों उनको पूरा समाज भी प्यार करता है और उनके घर वाले भी प्यार करते हैं। यस और नो, क्या होता है, उनका स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन दोस्तों उनके जीवन में आगे बढ़ाता है। और दोस्तों हमेशा अंबानी जी ने एक बात बोला है, धीरू भाई अंबानी जी ने, यदि आप दृढ़ संकल्प के साथ और पूर्णता के साथ काम करते हो तो सफलता आपके पीछे करती है। दिल से कोई भी काम करना दोस्तों, अगर मैं आप अपने बारे में बताऊं तो हमें रोज मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड्स लेने का मन नहीं करता है, मैं आपको दिल की बात करें, लेकिन दोस्तों मैं इस ट्रेनिंग को लेने के लिए रात को भी तैयारी करता हूं, इस ट्रेनिंग को लेने के लिए सुबह 4:40 में जगता हूं और पढ़ दोस्तों प्रिपरेशन करता हूं। प्रिपरेशन करने के बाद दोस्तों मैं आपके सामने 45 मिनट आता हूं और मैं चाहता हूं कि जिस तरह दोस्तों आज मेरे सपने पूरे हुए हैं, जो कुछ मैंने सेफ शॉप से ढूंढा था, आज दोस्तों यकीन मानिए वो सपने दोस्तों बहुत पूरे हो गए। आज दोस्तों कभी मैं एक किराए के मकान में जीवन को जीता था, दोस्तों आज मैं जिस घर में रहता हूँ, मेरे घर में दोस्तों 5 बेडरूम घर नहीं है दोस्तों, मेरा 6 बेडरूम्स घर है और 6 बेडरूम्स घर के साथ साथ दोस्तों मेरे पास 2 बहुत बड़ा बड़ा डाइनिंग हॉल्स है, दोस्तों 2 मेरे घर में अच्छे किचन है, दोस्तों 7 बाथरूम्स है और 1 कार पार्किंग है। दोस्तों इतना बड़ा घर अगर दोस्तों कहीं से मिला है तो दोस्तों सेफ शॉप के माध्यम से मिला है, मेरे अप्लायंस के माध्यम से मिला है दोस्तों, और मेरे टीम के माध्यम से मिला है। नहीं तो दोस्तों मैं एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता था दोस्तों, मुझे अपने जीवन में सपने नहीं थे दोस्तों, अगर सपने मेरे पास आए हैं तो दोस्तों सेफ शॉप से आए हैं। बस मैंने इस ट्रेनिंग को सुन करके दोस्तों जिस तरह से आप चींटी को देख सकते हो दोस्तों, वाकई में जो काम दोस्तों मैं अपने जीवन में 35 साल में नहीं कर पाया था, जो काम दोस्तों मैं अपने जीवन में दोस्तों 15 साल नौकरी करने के बाद नहीं कर पाया था, वो काम दोस्तों सेफ शॉप के अंदर में दोस्तों मैंने 3.5 साल के अंदर में कर डाला था। और कारण यही था कि मेरी फौज की नौकरी बेकार नहीं थी, मेरी सरकारी नौकरी खराब नहीं थी, लेकिन दोस्तों वहां मैं खुद जितना घंटा काम करता था मुझे दोस्तों उतना ही घंटे के पैसा मिलता था, लेकिन दोस्तों सेफ शॉप में आने के बाद हमारी टीम ने जब काम करना शुरू किया दोस्तों, हमें नहीं पता चला था इस बिजनेस के अंदर में कि दोस्तों हम कहां से शुरुआत करेंगे, कहां बीज डालेंगे, हमारी बीज कहां दोस्तों जमी थी। मैंने दोस्तों उत्तराखंड में सेफ शॉप का अपना बीज लहराया था, 1 बीज दोस्तों उत्तराखंड में 2 बीज डाली थी मैंने सेफ शॉप का, और 2 बीज दोस्तों आज पूरी इंडिया में दोस्तों जाकर के पेड़ बनना शुरू हुआ। अगर दोस्तों बात करें, अगर मैं उंगली पर गिना दूं दोस्तों स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन क्या होता है, तो आज असम, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, क्या बताऊं दोस्तों अपना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मैं दोस्तों इंडिया का कोई ऐसा राज्य नहीं है, 1-2 राज्य छोड़ करके ज्यादा 5 राज्य छोड़ करके जिस राज्य से दोस्तों मैंने सेफ शॉप के माध्यम से दोस्तों पैसा नहीं कमाया हूं और मेरा नेटवर्क दोस्तों वहां नहीं बना है और दोस्तों मेरे अकाउंट में दोस्तों पैसा नहीं आया है, ये दोस्तों वही आदमी कर सकता है जो हिस्ट्री क्रिएटर। दोस्तों मैंने दशरथ मांझी की जब कहानी पढ़ी, जब दोस्तों इनकी पिक्चर देखा, जब इनकी हिस्ट्री को दोस्तों पढ़ा तो पता चला कि द माउंटेन मैन दशरथ मांझी 22 साल का समय में दोस्तों 55 किलोमीटर का पहाड़ काट पाए थे। उनके दिमाग में दोस्तों एक ही उपज थी, जिस तरह से दोस्तों आज आपके दिमाग में उपज आ जाए, जिस दिन आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा कि दोस्तों हमें भी हिस्ट्री क्रिएटर बनना है, दोस्तों उस दिन आप डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, सेफ शॉप के माध्यम से दोस्तों नोबल पुरस्कार ले सकते हैं, आप भारत रत्न ले सकते हैं, बड़े बड़े पुरस्कार आप दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ले सकते हैं। और ये चीज कहीं किसी से सीखना है तो द माउंटेन मैन दशरथ मांझी से दोस्तों सीखना है आपको।
दोस्तों स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के बाद बगैर दोस्तों आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए जो भी आपको तस्वीर दिखा रहा हूं ये आसान काम नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आपकी चाहत है तो दोस्तों आप के लिए ये काम दोस्तों सारा आसान हो सकता है। आई कैन, आप कर सकते हैं दोस्तों। आप चाहें तो पूरे इंडिया के अंदर में दोस्तों अपना आप जज्बा भी रख सकते हैं। तो याद रखिएगा ये तस्वीर दोस्तों मेरे दिल को हिलोर देती है। मैंने स्टूडेंट लाइफ में दोस्तों बस के छत पर भी बैठ कर गया है, स्टूडेंट लाइफ में दोस्तों मैंने ट्रेन में झटका खा करके गया है, स्टूडेंट लाइफ में दोस्तों मैं गांव के ट्रैक्टर पर भी बैठ करके गया हूँ। दोस्तों गरीबी में पैदा होना दोस्तों हमारी बस की बात है नहीं, लेकिन अमीर बनना हमारी बस की बात है दोस्तों, क्योंकि आज हमारे पास दोस्तों सेफ ऑफ है। दोस्तों हमारा भी जीवन नहीं था, लेकिन दोस्तों मैंने अपने अप्लायंस की बात माना, सिस्टम की बात माना, मैंने ड्रीम बुक बनाई, ड्रीम बुक के हिसाब से दोस्तों मैंने प्लानिंग किया, उसके हिसाब से दोस्तों मैंने लिस्ट मेकिंग सेशन किया। दोस्तों आज सुंदर घर, सुंदर गाड़ी और दोस्तों देश विदेश की यात्रा और फ्लाइट में घूमना, ये सारी चीज दोस्तों पुअर हुआ। बिल गेट्स साहब हमेशा बोलते थे कि बट इफ डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक, गरीबी में पैदा होना आपकी बस की बात नहीं है, लेकिन अमीर बनना और नहीं बनना दोस्तों हमारे बस की बात है। तो दोस्तों आज हमारे पास सेफ ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अब दोस्तों जीवन के अंदर में आपने बहुत सारी क्लासेस की होगी दोस्तों, आपने ट्वेल्थ पढ़ा, आपने दोस्तों बीएससी बीकॉम बीए किया, मास्टर डिग्री ली दोस्तों, बहुत प्रकार की आपने मैनेजमेंट कोर्स की होगी, कुछ भी किया होगा दोस्तों, लेकिन सेवन टाइप्स ऑफ ड्रीम्स दोस्तों आपको कहीं नहीं बताया गया होगा। और सेफ ऑफ इंडस्ट्री में हम दोस्तों आपको बताएंगे कि सात प्रकार का ड्रीम्स क्या होता है दोस्तों, पर्सनल ड्रीम, प्रोफेशनल ड्रीम, एजुकेशनल ड्रीम, फिजिकल ड्रीम्स, फाइनेंशियल ड्रीम, सोशल ड्रीम्स और स्पिरिचुअल ड्रीम्स। लेकिन दोस्तों ये सारा ड्रीम्स आप डायमंड्स बनने के बाद पूरा करना, अभी आपको ओनली फॉर एक ही ड्रीम्स पर काम करना है, और वो दोस्तों आपका जो ड्रीम्स है दोस्तों वो है आपका पर्सनल ड्रीम। प्रोफेशनल ड्रीम्स मींस होता है दोस्तों, पर्सनल ड्रीम्स में तीन प्रकार के ड्रीम्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। प्रोफेशनल ड्रीम्स होता है कि अगर दोस्तों आप सेफ शॉप में आए हैं तो सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से पर्ल, पर्ल से टोपाज, टोपाज से एमराल्ड बनना दोस्तों आपका प्रोफेशनल ड्रीम हुआ। और दोस्तों एजुकेशनल ड्रीम, इस बिजनेस में आए हो तो आप इस बिजनेस के लिए दोस्तों आप कितने किताबें पढ़ते हो, कितना अपने नॉलेज को गेन करते हो, ये दोस्तों आपका एजुकेशनल ड्रीम्स में आ जाएगा। फिजिकल ड्रीम्स में दोस्तों अगर आप आते हो तो आप अपने हेल्थ के प्रति कितने अवेयरनेस हो, अपने बॉडी को कितना फिटनेस रखते हो, दोस्तों आपका फिजिकल ड्रीम होता है। फाइनेंशियल ड्रीम दोस्तों आप काम करें ना करें, आपके पास एक पीढ़ी को खर्चा चलाने के लिए क्या दोस्तों आपके पास पैसा जमा है, ये दोस्तों आपका फाइनेंशियल ड्रीम है। ये सारा ड्रीम्स पूरा होने के बाद दोस्तों आप थोड़ा बहुत अपने समाज के लिए सेवा करें। जैसे दोस्तों मैं प्रेजेंट टाइम में मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं दोस्तों, अपने सोसाइटी को एक से सवा घंटा या डेढ़ घंटा टाइम रोज दोस्तों देता हूं। जैसे मेरे ग्रेट मेंटर भी जानते हैं, मैं दोस्तों प्रेजेंट टाइम में अपने सोसाइटी का दोस्तों मैं सेक्रेटरी हूं, तो दोस्तों डेढ़ घंटा मैं समाज को भी समय देता हूं। और दोस्तों लास्ट आपका जीवन का दोस्तों स्पिरिचुअल ड्रीम्स होता है दोस्तों, मैं प्रेजेंट टाइम में दोस्तों अपने ही सिटी के अंदर में दोस्तों बालाजी का दोस्तों हम टेम्पल बना रहे हैं, जिस टेम्पल में दोस्तों मैंने किसी से कुछ नहीं बोला है, जब जब मेरे पास हर महीने कुछ पैसे आते हैं दोस्तों मैंने वो पैसा उस टेम्पल में दोस्तों लगाता हूँ। उस टेम्पल को दोस्तों एक्सपेंड करने में हम लोग आज खर्चे कर रहे हैं दोस्तों, उस टेम्पल को बनाने में जो दोस्तों और एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है दोस्तों, उस पैसे में दोस्तों हम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप भी अपने जीवन के अंदर में दोस्तों सेवन टाइप्स ऑफ ड्रीम्स बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों प्रेजेंट टाइम में जो आपका ड्रीम्स होना चाहिए दोस्तों ओनली फॉर पर्सनल ड्रीम्स पर दोस्तों अभी आपने काम करना है। जब पर्सनल ड्रीम्स पर काम करोगे तो प्रोफेशनल ड्रीम, एजुकेशनल ड्रीम, सारे ड्रीम्स दोस्तों धीरे धीरे करके दोस्तों पूरा हो जाएगा। आज दोस्तों डायमंड बनने के बाद आप सातों ड्रीम पर दोस्तों आप काम करना दोस्तों शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं पर्सनल ड्रीम्स। पर्सनल ड्रीम्स में दोस्तों आप सारे लोग जानते हैं, पर इसको समझिए, ड्रीम्स क्या होता है और गोल क्या होता है दोस्तों, गोल किसे कहते हैं, गोल कैसे बनाएं, सपने अपने गोल में क्या अंतर होता है दोस्तों, इसको समझने की जरूरत है। ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। ए गोल क्या है, अगर दोस्तों अगर आपका कोई प्लान नहीं तो आपका इच्छा है। अगर दोस्तों सपोज दैट आप फुटबॉल ग्राउंड पोस्ट पे आप फुटबॉल की ग्राउंड में खेल रहे हैं और वहां पे गोल पोस्ट नहीं है दोस्तों, तो बिजनेस आपका गोल नहीं हुआ। गोल का मतलब होता है कि गोल इज द सोल ऑफ द बिजनेस। इस बिजनेस की जो आत्मा है उसको दोस्तों बोलते हैं गोल। इस बिजनेस के जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो दोस्तों आपका लिस्ट है। तो दोस्तों अभी हम आज बात कर रहे हैं गोल के ऊपर कि गोल के बगैर दोस्तों आपका कुछ भी नहीं हो सकता है।
अब बात आती है कि दोस्तों हम गोल सेटिंग कैसे करें। बहुत यहां पर अगले 5 मिनट दोस्तों मेरी बातों को ध्यान पूर्वक समझिएगा। गोल सेटिंग करने का तरीका यह होता है कि सबसे पहले दोस्तों आप एक रफ डायरी उठा लीजिए, एक रफ डायरी उठाइए। रफ डायरी में आपके मन में जितने प्रकार का विचार आते हैं, आपको दुनिया में जो कुछ भी चाहिए, आपको हवाई जहाज चाहिए, आपको दोस्तों अपने लिए स्विमिंग पूल बनाना है, आपके लिए दोस्तों हॉर्स राइडिंग के लिए ग्राउंड बनाना है, जो कुछ चाहिए दुनिया में, आप दोस्तों 100-200 ड्रीम्स को अपने डायरी में नोट कर लीजिए। बात समझ में आ रही? जैसे मैंने नोट किया है, होम, फ्लैट, कार, 1 करोड़ कैफ्री, होटल, 50 एकड़ लैंड, शन का डिग्री, MBCS, BMW कार, जो कुछ चाहिए आपने दोस्तों ऐसे करके आपने 100-200 आपने लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखने के बाद जैसे दोस्तों मैंने इस चार्ट पर बनाया है, इस चार्ट को ध्यान पूर्वक समझिएगा। मैंने पहला पॉइंट पर लिखा है दोस्तों सीरियल नंबर, ड्रीम्स, अमाउंट और दोस्तों 7 कारण आपके गोल के लिए, और हैबिट्स क्या होना चाहिए और उसके लिए रिमार्क्स। अब जैसे दोस्तों इस सब में से आपको सबसे सिंपल चीज बताता हूं, और आप शादीशुदा हैं और दोस्तों आपके गांव में एक छोटा सा घर बनाना है 15 लाख रुपए का, तो सारे ड्रीम्स को हटा करके दोस्तों आप 3 दिन तक इसको लिखने के बाद और ड्रीम्स बुक को दोस्तों डायरी को बंद कर दीजिए, तब दोस्तों आप अपने इस बुक को निकालिए। इसको निकालने के बाद इसमें से जो आपका जरूरी गोल्स है उस गोल को दोस्तों पहले सेटअप किया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी हम लोग किस पे चलेंगे, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म पर। तो कोई भी गोल्स को पूरा करना है तो उसके लिए आपने ड्रीम्स, अमाउंट और दोस्तों रीजंस की, मतलब अगर ये चीज मेरे चाहिए तो इसका 7 रीजन क्या है, और 7 रीजन पहले लिख लेंगे कि क्यों चाहिए मुझे। अगर मेरे को गांव में छोटा घर क्यों चाहिए, क्योंकि बरसात में पानी से मेरा घर बढ़ जाता है, हर साल छत मेरे चूने लगता है और मेरे बच्चे जवान होने लगे हैं, मेरे घर में बाथरूम सही से नहीं है तो हमें सबसे जरूरी मेरा घर है, मेरी लड़की की शादी करना है तो मेरे लिए वो जरूरी है, मेरा भाई को अगर पढ़ाना है तो मेरे लिए, जो भी आपके लिए प्रियोरिटी है तो आपको प्रियोरिटी सेट करना अपने जीवन के अंदर सबसे बड़ा उसूल है दोस्तों। जब इसको आप सेट कर लेते हैं तब दोस्तों इस ड्रीम्स बुक को निकालिए, उसमें एक एक करके अपने ड्रीम्स को सेटअप करते चले जाइए। अब कैसे सेटअप करना है दोस्तों मैं आपको बताता हूं। ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि एक ही बार आप घर और गाड़ी बंगला नहीं ले सकते, एक छोटा कदम हमें बड़े परिणाम तक ले जाता है। इट मींस स्मॉल स्टेप लीड्स टू बिग रिजल्ट, एक स्मॉल स्टेप, एक छोटा कदम से हम बड़े परिणाम पर। तो शुरू के दिनों में दोस्तों बड़े बड़े बंगला गाड़ी के बारे में मत सोचिए, हमेशा दोस्तों आपका जो ड्रीम्स होना चाहिए स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब होता है दोस्तों स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड, मतलब जरूरी के समान हो, जो आपके मापदंड में हो, जो आपसे अचीव करने लायक हो और रेलिवेंट आपके लिए जरूरी हो और एक समय सीमा में तय किया गया हो, उसको दोस्तों बोलते हैं स्मार्ट गोल। तो हम दोस्तों सबसे पहले चलते हैं दोस्तों स्मार्ट गोल्स के ऊपर में। तो दोस्तों सबसे पहले हमने गोल्स को समझना है, जो आपके यहाँ 8 स्टेप ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों बताया जाता है कि दोस्तों जो गोल्स होते हैं वो हमने शुरू में बताया था। ASML गोल का मतलब होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होता है दोस्तों। तो शॉर्ट टर्म गोल दोस्तों 3 से 6 महीने के अंदर का होता है, मिडिल टर्म गोल दोस्तों 1 से 2 साल के बीच का होता है और लॉन्ग टर्म गोल दोस्तों 3 से 5 साल का बीच का होता है। जैसे मैंने दोस्तों आपको तस्वीर के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि शॉर्ट टर्म ड्रीम्स जो भी बनाते हैं तो इसके अंदर का जो फॉर्मेट है दोस्तों कुछ इस तरह का है कि सीरियल नंबर, परचेज योर आइटम्स, टाइम, डेट और अमाउंट, उसका फोटो लगा करके दोस्तों इसमें हम ड्रीम्स बुक अपनी बनाते हैं। सेम यही फॉर्मेट दोस्तों इस किताब में मिलेगा और इस तरह से दोस्तों इस किताब के अंदर में आप 32 गोल्स को सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 32 गोल सेट करने के बाद हम सबसे पहले चलते हैं शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स जैसे 6 से 1 महीने के बीच में, ये छोटे छोटे आइटम, पेन, डायरी, छोटा ज्वेलरी, मोबाइल फोन है, सॉक्स हो गया, ये छोटे छोटे साड़ी हो गए अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, आज दोस्तों एक टीवी पुराना है तो नई हो गया, वॉशिंग मशीन पुराने हैं तो नई हो गया, आपके घर में अगर फ्रिज पुराने हो गए तो नए ले लिए, बेड पुराने हो गए तो नए हो गए, छोटा छोटा ड्रीम्स, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ अलमीरा, सन ग्लास, कुछ किताबें, ये आपका छोटा छोटा ड्रीम्स दोस्तों होना चाहिए, कुछ आपके घर के लिए, किचन के लिए ग्रोसरी आइटम, ये सारे ड्रीम्स दोस्तों आपके लिए, फॉर्मल ड्रेसेज, ये छोटा छोटा ड्रीम्स दोस्तों जो कि 50,000 तक आसानी से 1 लाख के बीच में दोस्तों आ जाए।
और मिडिल टर्म लोन्स दोस्तों एक से तीन साल के बीच में होता है। उस टाइम आपका जो पीरियड होता है इस बिजनेस के अंदर में दोस्तों, वो टोपाज से रूबी के बीच में आप होते हैं, चाहे टोपाज से डायमंड के बीच में एंट्री कर जाते हैं। उस टाइम अपने लिए बाइक अपग्रेडेशन करना, अपने बच्चों के लिए दोस्तों अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए एजुकेशन के लिए थोड़ा सा अच्छे स्कूल अपग्रेड करना, आपके घर में अगर आपकी महिला आपकी वाइफ दोस्तों अगर झाड़ू पोछा कर रही है उसके लिए एक दोस्तों बाई रख लेना, अगर दोस्तों आपका पुराना मकान है तो उसको थोड़ा सा रिनोवेट करना, थोड़ा ज्वेलरी लाना, अपने मम्मी पापा के लिए थोड़ा टूर बना लेना, अपने फैमिली के लिए थोड़ा दोस्तों इंडिया का टूर बना लेना, ये सारे दोस्तों होते हैं। और लॉन्ग टर्म ड्रीम दोस्तों डायमंड बनते बनते आपके पास एक शानदार घर, 15 लाख रुपए, 20 लाख की गाड़ी, घर के लिए अच्छे इंटीरियर्स, आपके बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन, ये दोस्तों 3 से 5 साल का बीच में जो ड्रीम सभी दिखा रहा हूँ। थोड़ा और ज्वेलरी, थोड़ा और एक्सपेंसिव कपड़े, थोड़ा आपके लिए अपग्रेडेशन, अपने मम्मी पापा के लिए तीर्थ यात्रा, ये सब होने के साथ साथ दोस्तों सिर्फ ग्री बैंक ग्रोथ साथ साथ दोस्तों आप थोड़ा बहुत अपना पैसा जमा करना भी दोस्तों इसमें शुरू कर देना है। बात समझ में आ गया दोस्तों, गोल सेटिंग करने का मोटे तौर पर। इसका अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए गोल सेटअप कैसे करते हैं दोस्तों, इस पे हम लोग आउट सेशन वर्कशॉप करते हैं हरिद्वार में 3 नाइट 4 डेज का, उसमें दोस्तों एक एक दिन का दोस्तों ड्रीम्स के ऊपर में हमारा लेसन चलता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि नॉट फेलर बट लो एम इज क्राइम, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए दोस्तों। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए और दोस्तों अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपको दिशा उसको बदल ना पाए। एक मैंने पहले क्या बोला था दोस्तों, जिद्दी का बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का बिजनेस है, और एक बार खूंटा ठोक दिया तो दोस्तों आपकी भैंस वहीं बंधेगी, चाहे गांव वाले पकड़ करके उस भैंस को गोली भी मार देंगे, चोरी भी कर लेंगे, तो दोस्तों उस खूंटे पर दूसरा भैंस आकर के आपकी बननी चाहिए। दोस्तों जेपी सिंह का स्पेशल डायलॉग है, किसी किताब का नहीं है, कहीं से कॉपी किया हो नहीं है दोस्तों। और दोस्तों जब आप ड्रीम्स पर काम करते हैं तो मेक योर विजन बोर्ड दोस्तों आपके घर में होना चाहिए, और 4 आपका ड्रीम्स आपके विजन बोर्ड में जिस रूम में आप सोते हैं तो वहां पर आपका 4 ड्रीम्स लगा होना चाहिए, और उसमें 4 बढ़िया फोटो पेपर पर प्रिंट निकाल करके बोर्ड पिन के साथ लगा होना चाहिए। 4 अपकमिंग ड्रीम्स, जैसे दोस्तों 1 करोड़ का फिक्स डिपोजिट 28 नवंबर 2021, उसके बाद एक फ्लैट, एक BMW गाड़ी, एक फार्म हाउस, तो मैंने अपने 4 अपकमिंग ड्रीम्स आपके सामने दोस्तों इस तरह से अपने घर में दोस्तों मैंने अपने अपने बेडरूम्स में दोस्तों सजा करके रखा हुआ है दोस्तों। इसके लिए मैं काम करता हूं जो दोस्तों आपके सामने दिख रहा है। अपकमिंग 4 ड्रीम्स आपके लिए होना चाहिए। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जाते जाते 5 मिनट के समय में दोस्तों मैं शेयर करना चाहता हूं कि चैलेंज वर्सेस ड्रीम, गोल टारगेट, लाइफ स्टाइल, मोर पेन मोर गेन, नो पेन नो गेन। दोस्तों जब तक आप दर्द नहीं झेलोगे तब तक दोस्तों आप बड़ा गेन नहीं कर सकते हो। मैंने आपको बोला था कि जितने बड़ी सफलता चाहिए आपको उतना बड़ा काम करना पड़ेगा। अब देखिए कंपटीशन हुआ था, कुछ लोग दोस्तों इस कंपटीशन में कंधे पर लकड़ी लेके जा रहे थे, बीच में दोस्तों एक व्यक्ति ने पीला रंग का ड्रेस वाला अपना शॉर्टकट रास्ता अपना लिया, सिस्टम को फॉलो नहीं किया, सोचा कि मैं पहले कंपटीशन जीत जाऊंगा। रास्ते में जाते जाते उसी साइज के हिसाब से ड्रेनेज बनाए हुए थे दोस्तों, उस ड्रेनेज पर जाकर के दोस्तों बंदा फंस गया, बाकी लोग पार हो गए। इस बिजनेस में कुछ लोग आते हैं बहुत तेजी से काम करते हैं लेकिन बीच में दोस्तों अपने दिमाग लगा करके दोस्तों फेलियर हो जाते हैं। दुनिया में हर लोगों ने जिन्होंने मोर पेन मोर गेन प्राप्त वही किया है, चाहे दोस्तों अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला हो, चाहे हमारे सचिन तेंदुलकर जी हो, चाहे पीएम मोदी साहब हो, चाहे बिल गेट्स साहब हो, चाहे अमेजन के मालिक हो, चाहे दोस्तों आपका अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे शाहरुख खान जी हो, चाहे लता मंगेशकर जी हो, चाहे दोस्तों अरुणिमा सिन्हा हो, इन सब की दोस्तों हिस्ट्री पढ़िएगा, चाहे दोस्तों रजनीकांत जी हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे देवानंद जी हो, इन हर आदमी की अगर आप हिस्ट्री पढ़िएगा, चाहे दोस्तों जैकमा हो, कोई भी आदमी, जैकमा भी दोस्तों हमेशा एक बात बोलते हैं, कभी हार मत मानो, आप आज कठिन है कल और भी बदतर हो सकता है लेकिन परसों दुख खिलेगा दोस्तों। तो जीवन के अंदर में इन्होंने भी बहुत सारे बार एग्जाम्स दिए, बहुत बार फेलियर हुए, इस इंडिया में नहीं वर्ल्ड में दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार फेल होने के बाद जिनके सपने स्ट्रांग थे, जिनका ड्रीम्स क्लियर था, जिनका गोल, जिनका पर्पज क्लियर था दोस्तों, उन लोगों को दोस्तों अपने ड्रीम्स को हासिल करने में समय नहीं लगा। तो चैलेंज वर्सेस ड्रीम वर्सेस गोल वर्सेस टारगेट वर्सेस लाइफ स्टाइल, वो दोस्तों उसी को पूरा कर सकता है, वही अपने बच्चों को सुख दे सकता है, वही अपने बीवी को सारे लाइफ स्टाइल दे सकता है, वही अपने हस्बैंड को सारी सुख दे सकती है महिला, जिन लोगों ने अपने जीवन में दर्द झेला है और सेफ शॉप में भी आने के बाद जिन लोगों ने 1000 बार लोगों का नाश सुना है, 1000 नाश सुनने के बाद उस व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया पेन को, उसका फ्यूचर दोस्तों फुलफिल हुआ है दोस्तों। 1000 बार ना दोस्तों आप सुन सकते हो, मंजिलें उन्हीं को मिलती है दोस्तों जिनके सपने में जान होते हैं दोस्तों।